Let's see the exercise of this chapter. This is let's try one from your course book page number 73. Look at the pictures in the story and then answer these questions. Is story can page number 71 or 72 Per two pictures di hai hai, you have to see them and then write the answer of these questions. Now the first question is what is Amina doing? इन द फर्स्ट पिक्चर ऑन पेज सेवेंटी वन पेज नंबर सेवेंटी वन पर जो फर्स्ट पिक्चर दी गई है उसमें अमीना क्या कर रही है ओके नाउ लेट सी दिक्चर देन वील राइट द आंसर नाउ दिस इज पेज नंबर सेवेंटी वन एंड ऑन दिस पेज वी हैव दिस पिक्चर एंड इन दिस पिक्चर वी कैन सेन सी दैट अमीना इज जम्पिंग इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि अमीना क्या कर रही है जंपिंग कर रही है सो यू विल राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन योर प्रैक्टिस बुक वॉट इज अमीना डूइंग इन द फर्स्ट पिक्चर ऑन पेज सेवेंटी वन एंड द आंसर इज अमीना इज जम्पिंग देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज द रूम लुक नीच और मैसी इन द पिक्चर ऑन पेज सेवेंटी वन सेवेंटी वन पेज नंबर पर जो पिक्चर दी है क्या उसके अंदर रूम जो बना हुआ है वह अमीना का रूम एकदम नीट एंड क्लीन मीन्स साफ सुथरा और टॉयज से भरा हुआ है नो द रूम लुक्स मैसी मीन्स अमीना का जो रूम है वह पेज नंबर सेवेंटी वन की जो पिक्चर है उसमें बिल्कुल भी नीट और मैसी यानी बिल्कुल भी साफ सुथरा नहीं दिखाई दे रहा है नाउ लुक द पिक्चर अगेन वी हैव दिस पिक्चर ऑन पेज नंबर नाउ लुक द कंडीशन ऑफ द अमीनाज रूम अमीना की रूम की कंडीशन देखिए कहीं पर टॉयज बिखरे पड़े हैं और अमीना क्या कर रही है जंप कर रही है सो द आंसर इज अमीना द रूम लुक मैसी यानी अमीना का जो रूम है वह वा बहुत ही गंदा बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है नाउ द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज हु इज टॉकिंग विथ अमीना इन द पिक्चर ऑन पेज सेवेंटी टू पेज नंबर सेवेंटी टू पर जो पिक्चर हमारे पास दी गई है नाउ लुक दिस पिक्चर ऑन पेज नंबर सेवेंटी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज टॉकिंग विथ

टिक राइट फॉर द करेक्ट सेंटेंस एंड अ क्रॉस फॉर द रोंग वन नीचे जो सेंटेंसेस दिए हैं उनको आपको रीड करना है जो करेक्ट है उसको राइट लगाना है और जो करेक्ट नहीं है मीन्स रोंग है उन्हें क्रॉस करना है नाउ द फर्स्ट वन इज अमीना क्रॉस्ड द रूम बाय वॉकिंग लाइक एवरी वन ऑल्सो एवरी वन एल्स डज अमीना जो है वह अपने रूम को वॉकिंग यानि चलकर क्रॉस करती है जैसे दूसरे चलते हैं उसी तरह से जैसे सभी लोग चलते हैं उसी तरह से अमीना भी अपने रूम को चलकर क्रॉस करती है नो इट इज रॉन्ग बिकॉज अमीना क्रॉस्ड हर रूम बाय जम्पिंग नाउ द सेकेंड इज आफ्टर प्लेइंग विद हर चॉइस अमीना लेफ्ट दे लाइंग अराउंड हर रोज खेलने के बाद अमीना अपने टॉयस को क्या करती है उन्हें वही इधर उधर बिखरा हुआ छोड़ देती है येस इट इज ट्रू नेक्स्ट अमीना हैड हर ओन रूम इन द न्यू हाउस नए घर के अंदर अमीना के पास उसका खुद का एक कमरा था येस इट इज राइट नेक्स्ट इज द टॉयस वेरी हैप्पी विथ अमीना अमीना के साथ उसके सारे टॉयज बहुत ज़्यादा खुश थे इट इज़ रॉन्ग द बुक्स कुड इजीली क्लाइंब ऑन टू द शेल्व जो बुक्स हैं वे बहुत आसानी से शेल्व के ऊपर अलमारी के ऊपर चढ़ सकती है नो इट इज़ रॉन्ग अमीना प्रोमिस्ड टू कीप द टॉयज इन प्लेस अमीना ने प्रॉमिस किया कि वह हमेशा अपने टॉइस को उनकी करेक्ट यानी सही जगह पर रखेंगी यस इट इज राइट नाउ द नेक्स्ट लेट्स ट्राई थ्री एंड वी अगेन हैव क्वेश्चन आंसर्स इन दिस लेट्स ट्राई आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर नोटबुक इन वन एंड टू सेंटेंसेस इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको वन या टू सेंटेंस में लिखना है और थ्री लाइंस आपको कंप्लीट करना है नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज़ द स्ट्रेंज थिंग दैट अमीना नोटिस्ड अबाउट हर टॉयज इन हर न्यू बैग अमीना ने कौन सी ऐसी स्ट्रेंज थिंग नोटिस की होगी जब उसने अपने रूम में अपने सारे टॉयज व्यवस्थित देखे होंगे तब अमीना ने कौन सी अमीनाड अबाउट हर चॉइस दैट ऑलवेज बैक इन द प्रॉपर प्लेस अमीना ने अपने टॉयज़ के बारे में यह बात नोटिस की होगी नोटिस की कि हमेशा उसकी टॉयज उनकी प्रॉपर प्लेस पर कैसे पहुंच जाते हैं नाउ द क्वेश्चन नंबर टू डिड अमीना चेंज हर हैबिट्स वाई क्या अमीना ने अपनी सारी हैबिट्स को अपनी सारी आदतों को चेंज किया है और अगर नहीं किया है तो क्यों नाउ द आंसर इज अमीना चेंज्ड हर हैबिट्स बिकॉज शी अंडरस्टूड दैट शी हैड नॉट treated her toys well and they were sad and angry with her amina ki jo habits thi unme changes aaya unki aadaton mein sudhar aaya because she understood kyunki ve samajh gayi thi ki she had not treated her toys well और वह इस बात को समझ गई थी कि उसने कभी भी अपने toys के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया उन्हें अच्छे से treat नहीं किया एंड सैड और इसी वजह से वे लोग उदास थे एंड एंग्री विद हर और उसके साथ बहुत गुस्सा भी थे